अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज सज्जाद अली एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सज्जाद क्रिएशन। तो गाइज आ गया हूँ एक और न्यू कमाल की स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जुम्मा मुबारक का इस्लामिक कलरफुल स्टेटस वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल इसी टाइप का गाइज जो आपने हमारी इस वीडियो के स्टार्टिंग में डेमो वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप इस टाइप का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं कहीं मास्टर के अंदर तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको जो है ना फुली गाइड करूँगा। और गाइज आपने वीडियो को एंड तक देखना ही है क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल लाइक पीएनजीज वगैरह मैंने यूज किए हैं उन सब पीएनजीज को मैंने एक फोल्डर के अंदर जो है ना कंप्रेस कर लिया है। और गाइज उस फोल्डर का लिंक जो है ना आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर लेंगे। लेकिन गाइज जब आप उसे अनजिप या एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर जो है ना आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो गाइज उस फाइल का जो पासवर्ड होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। सो गाइज आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना होगा, ठीक है। सो गाइस चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए, देन यहां से 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट करके सिंपली क्रिएट पर टैप कर लीजिए, ठीक है। टैप करने के बाद आपने इमेज पर टैप करना है और यहां से ब्लैक इमेज को जो है ना एज अ बैकग्राउंड आपने यहां पर ऐड कर लेना है, इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग में आ जाना है, देन लेयर पर टैप करके यहां से आपने मीडिया पर टैप करना है, देन गाइस यहां पर आपने एक लिरिक्स वाले नात को जो है ना ऐड कर लेना है जो कि मैंने पहले से बना रखा है। आप यहां पर कोई और भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर ये यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस वाले लिरिक्स वाले वीडियो को ऐड करने के बाद जो है ना आपने बैकग्राउंड की जो ड्यूरेशन होगी वो आपने लिरिक्स वाले वीडियो के बिल्कुल इक्वल कर देनी होगी, मीन्स के दोनों की जो ड्यूरेशन होगी वो आपने बिल्कुल बराबर कर देनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूँ। सो गाइज उसके बाद आपने आ जाना है इस वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपने यहाँ से लेयर पर टैप करना है, देन स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और गाइज यहाँ से आपने एक स्टिकर को डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है HUD इन मोशन, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे गाइज, यहाँ पर आपको ये स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपने इस पर टैप करना है, देन यहाँ से लास्ट वाले इस वाले फ्रेम पर टैप करके इस फ्रेम को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद आपने इस फ्रेम की लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहां तक आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो गाइज उसके बाद जो है ना आपने जो यहां पर लिरिक्स वाला वीडियो ऐड किया है ना गाइज आपने उसकी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। छोटा करने के बाद जो है ना इस वाले वीडियो को आपने यहां पर रख देना है, ठीक है। यहां पर रखने के बाद ओके कर दीजिएगा। तो गाइज उसके बाद आपने आ जाना है इस वीडियो के स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है और गाइज यहां से जो है ना आपने सबसे पहले इस वाली PNG इमेज को यहां पर ऐड कर लेना है, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद गाइज आपने जो है ना इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। छोटा करने के बाद इस वाली इमेज को जो है ना आपने यहां पर रख देना है, ठीक है। नीचे ले आना है और यहां पर इसे रख दीजिए, ठीक है। यहां पर रखने के बाद आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहां तक आपका बैकग्राउंड है, देन अगेन आपने आ जाना है इस वीडियो के स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, देन गाइज यहां पर नेक्स्ट आपने इस वाली PNG इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइज आपने जो है ना इसकी साइज को छोटा कर लेना है कुछ इस टाइप से, देन आपने इस इमेज को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद गाइज आपने यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन पर टैप करना है, देन लास्ट में आपको क्लॉकवाइज एनिमेशन मिल जाएगा, ये आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी लेयर को भी आपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपकी बाकी की लेयर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगेन आपने स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट जो है ना आपने यहाँ से इस इमेज को ऐड कर लेना है, इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद गाइज आपने जो है ना इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। बड़ा करने के बाद जो है ना आपने इसे बिल्कुल सेंटर में टॉप पर यहां पर रख देना है, ठीक है। यहां पर रखने के बाद इसकी लेयर को भी आपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहां तक आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उसके बाद अगेन आपने आ जाना है स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपने यहां से इस वाली इमेज को भी इंसर्ट कर लेना है, सॉरी ये वाली नहीं बल्कि जो है मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ ये वाली इमेज, ठीक है। तो इसे इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट करने के बाद जो है इसे थोड़ा सा जो है छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो छोटा करने के बाद जो है ना इसे यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है।
यहाँ पर रखने के बाद गाइज इसकी लेयर को भी आपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है, जहाँ तक आपकी बाकी की लेयर्स हैं, ठीक है। तो गाइज उसके बाद आपने अगेन आ जाना है इस वीडियो के स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, और लास्ट में गाइज आपने यहाँ से इनहेंस वाली पीएनजी इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से, देन आप इनहेंस को जो है ना यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है, जहाँ तक आपकी बाकी की लेयर्स हैं, जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है, ठीक हो गया। तो गाइस उसके बाद अब आपने आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर आपने एक कलर वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। तो गाइस इस कलर वाले वीडियो का सेपरेट लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ईजिली इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस कलर वाले वीडियो को ऐड करने के बाद आपने यहाँ से चले जाना है स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन के अंदर, देन यहाँ से आपने इसे फुल स्क्रीन पर सेट कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए और यहाँ से इसे मल्टीप्लाई पर सेट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो गाइस उसके बाद लास्ट काम जो है ना आपने ये वाला करना है, यहाँ पर गाइस जो आपने फ्रेम ऐड किया है ना ये HUD वाला, आपने इसकी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से 3 डॉट्स पर टैप करके यहाँ से गाइस आपने ब्रिंग टू फ्रंट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने लास्ट में काम लाजमी करना है। उसके बाद गाइस आपका जो स्टेटस वीडियो है वो बनकर रेडी हो चुका है। चलिए एक बार मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब गाइज मैं आपको इस फाइल का जो पासवर्ड है वो बता देता हूँ। गाइज फाइल का जो पासवर्ड है वो है 8190806। तो गाइज इस पासवर्ड का यूज करके आप उन PNG इमेजेस को अनजिप कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो गाइज ये था आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा? गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।